सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सीबीआई संभाल रही है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामला आने के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है। रिया ने एनसीबी को पूछताछ के दौरान बताया कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स लाती थी। इसी बीच डेनमार्क के एक एंटरप्रेन्योर सिंगर एरियन रोमल ने खुलासा किया कि एक दिवंगत अभिनेता यानी कि सुशांत सिंह राजपूत गरीबों की मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित मोबाइल ऐप विकसित करने की योजना बना रहे थे। एरियन ने यह भी कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा कि सुशांत सिंह ड्रग लेते थे। उनका मानना है कि सुशांत की मौत का रहस्य ज़रूर खुलना चाहिए। एरियन ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि एक साल पहले मार्च या अप्रैल में मुंबई में हुई एक पार्टी के दौरान मैं सुशांत से मिला था। उस वक्त हमने एक टेक्नोलॉजी को लेकर बात की। उन्होंने एक मोबाइल ऐप को डेवलप करने के बारे में बात की थी। 2020 तक उसे कुछ ना कुछ बनाना था। वो कहाँ है? वो एक एआई आधारित ऐप बनाना चाहता था जिससे कि वो भारत में गरीबों की मदद कर सके। एरियन ने ये भी कहा कि सुशांत ने इसके बारे में बात की लेकिन ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं किया क्योंकि वो उनका आइडिया था और वो इसकी चोरी होने का डर समझकर इसलिए उस आइडिया को इतना रिवील नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनके कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने बताया। इस ऐप के ज़रिए वो गरीबों की मदद करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कई लोग होते हैं जो किसी पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत उनमें से एक थे। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।